नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, 1000 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। तो बिना देरी किए आप संपर्क करिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। आपकी प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, तो किसी प्रकार का कोई टेंशन ना करें और अपनी बड़ी बहन समझकर मुझसे सवाल पूछें, जिससे कि मैं आपकी कुंडली देखकर बता पाऊँ कि भाई प्रॉब्लम क्या है और क्या उपाय आपको करने हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कई बार क्या होता है, घर में कुछ अजीब तरीके की स्मेल आती है, लेकिन कुछ स्मेल अच्छी होती है और कुछ स्मेल बुरी होती है। तो आप कैसे पहचाने अपने घर की स्मेल से कि आपके घर में क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जीज है, आपकी पूजा पाठ का फल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको। मित्रों, कई घरों में बहुत अजीब सी स्मेल आती है और वो स्मेल होती है जैसे कि कहीं कोई बाल जल रहे हों या कोई चमड़ा जल रहा हो। ये जो स्मेल होती है ये नेगेटिव एनर्जीज को दर्शाती है, ये किसी परेशानी का इंडिकेशन होता है। तो जब भी घर में इस तरह की स्मेल आए तो घर में नमक के पानी से पूरी धुलाई कर दीजिए और उसके बाद में किसी पवित्र मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। ऐसी स्मेल घर में नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सीलन भरी स्मेल। घर में अगर अक्सर सीलन वाली स्मेल आती है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है और कहीं ना कहीं घर पे कोई संकट है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाएगी, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। तो ऐसे अवसर पर भी आपको कोई ना कोई पवित्र जाप पंडित जी को बुलाकर जरूर करा लेने चाहिए और घर की जो पुरानी और कबाड़ वाली चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से आपको घर से निकाल देना चाहिए। उन चीज़ों को मतलब हटा कर, यूज़लेस चीज़ों को हटा देना चाहिए घर से, क्योंकि घर में कहीं टूटा फूटा सामान पड़ा रहता है जो बरकत में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। यदि घर में कोई भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, कोई फूलों की खुशबू आने लग जाए, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि आपकी पूजा पाठ जागृत है, आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है और आपके जो देवता हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, परमात्मा हैं, वो आप पर कृपा करने के लिए बहुत ही जल्दी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। तो आपके घर की स्मेल ही आपको बहुत कुछ बता देती है। अगर घर में अक्सर सड़ी हुई स्मेल आती है तो घर में हवन या यज्ञ जरूर कराएं। ऐसा करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। आप घर में मंत्र मशीन भी लगा सकते हैं जिसमें कंटिन्यूशन में गायत्री मंत्र बजता रहता है या महामृत्युंजय बजता रहता है, या आप अन्य धर्म के हैं तो उस तरह की मशीन भी आती ही होगी। तो मंत्र मशीन घर में लगा कर रखें, सुबह से लेकर शाम तक कम आवाज़ में, कम वॉल्यूम में लगा कर रखें, तो घर का जो एरिया ऑरा है वो बहुत ही बढ़िया होने लगता है और पवित्रता का आवाज़ घर में होने लगता है, जिसकी वजह से घर के सदस्य नेगेटिविटी के जो अगर शिकार हो गए थे तो वो दूर होकर और उन्नति होने लगती है। तो घर की जो स्मेल होती है ये आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है कि आपके साथ जीवन में क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी आपके घर में है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परम प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।